अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। जी जी, एक मिनट को एक तालाब कट्टे में रहने वाले खातून के कंप्लेंट पे भवानी नगर पुलिस क्राइम नंबर 100 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 376 क्लास 1 354B IPC के तहत FIR किया है। ये FIR के जो ब्रीफ फैक्ट्स है, इसमें एक तालाब कट्टे में रहने वाले एक 23 सालाना खातून को एक उसके हस्बैंड हाजी के साथ 9 जून को मैरिज हुआ। उसके मैरिज होने के थोड़े दिन के बाद उनकी सेहत में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, सेहत थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ। तो उसी दौरान उनके वालदा को, जो लेडी है वो वालदा को वो इंटीमेट करें, उनकी वालदा एक बरकतपुरा में एक मुर्शद के पास उनको लेके जाके इलाज के लिए कोशिश करें, लेकिन वो कम नहीं हुआ। उसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड और अपने मदर इन लॉ को इंटीमेट किए। उसी दौरान एक शख्स मज़र ख़ान, बल्कि 33 सालाना एक शख्स, रहमत कॉलोनी बल्लागुड़ा में रहने वाला एक शख्स, ये लेडी के हस्बैंड और उनके फैमिली के साथ उनका 2 साल से रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, फैमिली फ्रेंड्स है। ये मज़र ख़ान बोलने वाला ये शख्स गुज़िश्ता 10 साल से यूनानी डॉक्टर, अपने आप को यूनानी डॉक्टर कहलाता है और यूनानी मेडिसिन भी देता है, और साथ ही साथ ये बाबा वगैरह, तावीज़ वगैरह देना, इलाज करना या असरात का इलाज करना वगैरह करते हैं। उस ये लेडी को ये लेडी के हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों इलाज के सिलसिले में वो मज़र ख़ान को कांटेक्ट करते हैं। मज़र ख़ान भवानी नगर उनके घर को जाके वो लेडी को इलाज करने के दौरान में इनका सेक्सुअल, उनसे सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल पार्टिसिपेट करना बोल के डिसाइड होते हैं। उसके दौरान वो घर को बुलाते हैं, उनको इलाज करने के घर को बुलाते हैं। उसी के साथ साथ ये मदर इन लॉ और हस्बैंड के साथ वो यहाँ बल्लागुड़ा रहमत कॉलोनी में घर को जाते हैं। वहाँ घर पे ये हस्बैंड को अलग करके, सेपरेट करके, ये मज़र ख़ान शख्स एक सेपरेट रूम में लेके जाके खुद गलत हरकत, गंदी हरकत करता है। ये जो भी हुआ, उन्हें पहले ये लेडी को 5 जिन्नात वगैरह, डेविल्स वगैरह है, अगर इलाज करने से वो कम हो जाता है ये बता के इलाज करना शुरू करता है, और थोड़ा अंदर लेके जाके नेकेड करके अपना सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल पार्टिसिपेट करता है। उसके साथ साथ और वो लेडी को बताता है कि अगर ये बात अगर आपके फैमिली को और आपके हस्बैंड को बताए तो आपके घर वाले सब को प्रॉब्लम होता और सभी लोग मर जाएंगे। ये डर के वो लेडी थोड़े दिन तक किसी को नहीं बोलते, उसके बाद भी उनके सेहत में बदलाव नहीं आता।
उसके बाद वो लेडी अपने बहन को बताते हैं। ये बहन को बताने से बहन और वो लेडी मिलके जाके भवानी नगर में कंप्लेंट करते हैं। वो कंप्लेंट पे भवानी नगर पुलिस FIR करके इन्वेस्टिगेशन करती है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके पॉइंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक बनलगुड़ा को ट्रांसफ़र करते हैं। सुपीरियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बनलगुड़ा पुलिस हम 222 ऑफ 23 अंडर सेक्शन 376 क्लास 1 एंड 354B IPC के तहत हम केस रजिस्टर करते हैं और हमारे DCP साहब श्री CH रूपेश साहब IPS एंड हमारे एडिशनल DCP साहब मनोहर साहब और हमारे ACP साहब श्री मनोज कुमार साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम 3 टीम्स को फॉर्म करके अक्यूज्ड मज़हर खान को आज अप्रहेंड करे हैं, अरेस्ट करे हैं और जुडिशियल रिमांड को उनको भेजे हैं। प्रीवियस केसेस हमारे रिकॉर्ड्स में अभी तक कुछ नहीं है और कुछ अगर पुलिस कस्टडी को भी हम लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन में और मालूम करेंगे जी। कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ पैसे लेके इलाज करते हैं वो। ये विक्टिम लेडी का एक ही हमारे को मालूम हुआ है।